इसराइल के गाजा और लेबनान में चलाए जा रहे भीषण ऑपरेशन से मुस्लिम देशों में एक खासी नाराजगी है। इसे लेकर अक्सर मुस्लिम देश इसराइल को आड़े हाथों भी लेते नजर आए हैं। बावजूद इसके इसराइल ने कथित तौर पर ईरान समर्थित इन प्रॉक्सी गुटों के कब्जे वाले इलाकों में अपना सैन्य अभियान चला रखा है, जहां हजारों लाखों की संख्या में लोग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। लिहाजा मुस्लिम देश इस पर कई बार अपनी आपत्ति जता चुके हैं। यूएन में भी इसराइल के खिलाफ शिकंजा कसा जा चुका है। ऐसे में खबर है कि मुस्लिम देशों ने अब नाटो की तर्ज पर अपना एक सैन्य गठबंधन बनाने की इच्छा जताई है। दावा है कि ये संगठन आतंकवाद और अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए खो रहा है। 25 से ज्यादा मुस्लिम देश इसके सदस्य हो सकते हैं। फिलहाल इसका औपचारिक ऐलान नहीं हो पाया, मगर ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्दी ही मुस्लिम देश इस पर सहमति जताते हुए बड़ा ऐलान कर सकते हैं। खबरें तो ये भी है कि संगठन का नाम इस्लामिक नाटो हो सकता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अरब के दो बड़े दुश्मन ईरान और सऊदी अरब साथ आने वाले हैं? अगर ऐसा हुआ तो नाटो के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन होगा, जहां सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, यूएई, जॉर्डन, बहरीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मलेशिया जैसे 10 बड़े मुस्लिम बहुल देश इसके कोर मेंबर हो सकते हैं। इस संगठन के संभावित एजेंडे की बात करें तो इसके सदस्य देश अपनी अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। साथ ही इस्लामिक एकजुटता को बढ़ावा देने को लेकर भी एक बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। ऐसा दावा है कि मुस्लिम देशों के लिए भी नाटो जैसे सैन्य गठबंधन बनाने के पीछे की सोच तुर्की के राष्ट्रपति की है। ऐसा करके एर्दोगान अरब देश में सबसे शक्तिशाली और मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनना चाहते हैं। माना जा रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति ऑटोमन साम्राज्य के दिनों को वापस लाना चाहते हैं। वह कई मौकों पर मुस्लिम देशों को एकजुट होने का आह्वान कर चुके हैं। एर्दोगान ने बीते दिनों इस्लामिक नाटो की पूरी योजना का खुलासा किया था, जहां एर्दोगान ने कहा था कि इजरायली अहंकार, इजरायली डाकुओं और इजरायली सरकार समर्थित आतंकवाद को रोकने वाला इकलौता जवाब इस्लामिक देशों के बीच सैन्य गठबंधन है। यही वजह है कि एर्दोगान हर उस मुस्लिम देश से संपर्क कर रहे हैं जो इसराइल को अपने लिए खतरा मानता है। इस कड़ी में एर्दोगान ने मिस्र और सीरिया से नजदीकियां बढ़ाई। खास बात है कि तुर्की और मिस्र के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहे। पिछले 12 साल में ये पहला मौका था जब कोई मिस्र का राष्ट्रपति तुर्की पहुंचा था। एर्दोगान ने आपसी मतभेद बुलाकर मुस्लिम एकता की वकालत की थी। माना जा रहा है कि नाटो की तर्ज पर ये संभावित संगठन अपने सदस्य देशों की पश्चिमी ताकतों से सुरक्षा कर सकता है। बताते चले कि इस्लामिक नाटो जैसी कोशिशें 9 साल पहले भी हो चुकी हैं। दिसंबर 2015 में IMCTC यानी इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कॉलिशन नाम की संस्था थी। इसे एशिया और अफ्रीका के 42 मुस्लिम देशों ने बनाया था, जो आज भी एक्टिव हैं। मगर ये संस्था बेअसर साबित होती रही है। लिहाजा मुस्लिम देश एक नए संगठन की नींव डालना चाहते हैं। ऐसे में अगर ये संगठन अस्तित्व में आता है तो भारत पर भी इसका खासा असर पड़ने की आशंका है, खासतौर से कश्मीर विवाद, जिसके बलबूते पाकिस्तान हमेशा से भारत के लिए बड़ी सिरदर्द बना हुआ है। ऐसे में भारत पर पड़ने वाले असर से पहले ये देखना काफी अहम रहेगा कि क्या वाकई मुस्लिम देश नाटो जैसा संगठन बनाने में कामयाब रहते हैं, या फिर आपसी मनमुटाव के चलते सारी आशाएं धरी की धरी रह जाती हैं।